बेला मुंडा मोहम्मद शहजाद पंजाबी लड़का पंजाब में रहने वाला। आप लोगों को इसकी वीडियो सुनाता हूँ, ये क्या बोल रहा है अभी। सिंध वनू कराची वनू या कहीं ना भी प्लेस पे वनू। हाल ही में बेला मुंडा की वीडियो सुनी, टूर पे आ रहा है सिंध में, तो सिंध में एक दफा आया था लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। पहले इसकी वीडियो सुने, वीडियो में देख के ना एंजॉय करे ना बल्कि मेरे को मजा आंदा है। स्ट्राइकी की वीडियो वगैरह आप लोग क्यों बनाते रहते हैं भाई, ये पहले आप लोग बेला मुंडा की वीडियो चेक करें। ये सिंधी कल्चर, सिंधी जो अजरक होता है ना, सिंध की पहचान होती है, उसको प्रमोट करता है। और इसकी जो डीपी वगैरह फेसबुक पे और यूट्यूब पे लगी पड़ी है, वो भी सिंधी अजरक जो उसने पहना हुआ है ना, वही है बेला मुंडा की। आप लोग खुद चेक करें, इसकी बात खुद सुने पहले। मेरा कल्चर तो मेरे को इतना ज्यादा पसंद है सिंध वालों का कि तुसा मेरे यूट्यूब दी जिहड़ी डीपी है पे, मेरे जिहड़े यूट्यूब दे उत्ते मेरी जिहड़ी पिक्चर लगी हुई है ना डीपी दे विच, उंदे च मेरे गले दे विच ना सिंधी अजरक है पई। अस्सलाम वालेकुम, प्रिंस अब्दुल वहीद और आप लोग देख रहे हैं वहीद मिर्ज़ा। तो यार आज का मजेदार व्लॉग करते हैं। शुरू में लेके गया था नलकर, जो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो उसका पाइप्स वगैरह सब कुछ मैं लेके गया था, और जो एक डीना होता है और सीमेंट्स वगैरह सब कुछ जो पाड़े होते हैं जड़े उसको जोड़ने के लिए। हमारे पास जो गाँव में मिस्त्री था ना उससे लग नहीं रहा था, बाड़े से अच्छा मिस्त्री लेके आना है मुझे। गर्मी बहुत है आज, गर्मी की वजह से मैं आ गया फिर से जूस पीने के लिए। भाई आप लोग बोलेंगे डेली डेली ये जूस पीता रहता है, तो वीडियो में दिखाता रहता है। चेक करें भाई इतनी प्यारी दुकान है। वापसी में जा रहा हूँ, नलके वाला मिस्त्री वो खुद आएगा, उस अपनी बाइक पे आ रहा है, वो पीछे मेरे थे लेकिन उसने कहा है मैं आ रहा हूँ आप जाओ पहले घर। में कुछ सामान वगैरह खरीदे, ये नीचे मेरे पास है कुछ समोसे और एक संग जिसको बोलते हैं, बहुत ही स्पेशल होता है हमारे शहर उबाड़ो का बेनजीर चौक पे भाई स्पेशल स्ट्रॉबेरी वगैरह मिलता है। अच्छा मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई, लेकिन जब मैं वीडियो में बात करता हूँ कोई ना कोई आ जाता है, या कोई भाई पब्लिक है ना, पब्लिक का रोड है तो इसलिए आते रहते हैं। तो मैं कह रहा था भाई कपास की फसल हमारी जल चुकी है तो उसको स्प्रे करना है। अच्छा समोसे में लेने गया, समोसे वाले भाई ने एक रुपया भी नहीं लिया, ज़बरदस्ती उसने मुझे तीन समोसे पकड़ा दिए। मैंने उसको बोला भाई पैसे ले लो, वो बोला नहीं नहीं आपसे नहीं पैसे लेंगे यार। दूसरा मैं संग लेने गया, संग वाले भाई ने एक रुपया भी नहीं लिया उसने। उबाड़ो वालों लव यू हो गया मेरी तरफ से, मुझे तो नहीं अच्छा लगता क्योंकि पैसे नहीं लेते लेकिन बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं, इस हिसाब से अच्छा लगता है। तो गाइस तकरीबन दो महीने बाद मैं 125 पे बैठा हूँ, और 125 के भाई शश के ही अलग होते हैं। तो अभी 125 की आप लोग मैं रेस देकर दिखाता हूँ। मेरे पास तो बच्ची गाड़ी है CT70, छोटी सी नन्नी बच्चों की तरह अब है मज़े। अच्छा मैं रेस देकर आप लोग चेक करवाता हूँ मज़े। पावरफुल गाड़ी है, बड़ा इंजन है इसका, और बच्ची गाड़ी है हमारे पास 70। वापसी बैग आ जाओ 125 पे, जो मैंने सेल कर दी गई है घर वालों की वजह से, घर वाले बोलते हैं धीरे नहीं चलाते इसलिए वो सेल करवा दी, 70 ले ली। तो यार बेला मुंडा की मैंने एक वीडियो बनाई थी, व्लॉग बनाया था तकरीबन कुछ दिन पहले, तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। कुछ लोग पूछ रहे थे भाई बेला मुंडा की तू कॉपी क्यों करता है, कॉपी ये वो फ्लांट ये। भाई बेला मुंडा खुद बोलता है कॉपी क्या करें, ये वो व्लॉग्स बनाया करें। ये बेला मुंडा की बात सुने आप लोग पहले, जानको ये चेक करें मेरी कॉपी करें मैं कुना तो भी कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। हाँ क्या लेने गए थे, चिप्स चुप्स पकड़ा यार मुझे भी खानी है, आप इतने अच्छे हो। छोटी तारीफ करनी चाहिए बच्चों की क्योंकि भाई फ्री की चिप्स है मज़े। बेला मुंडा के घर वालों के खिलाफ आप लोग वीडियो बनाए ना फिर वो चिढ़ता है, तो इसलिए चिड़चिड़ाहट होती है उसको। हाँ उन्हें तो प्रॉब्लम थी जेड़े ना रे वालदैन होते या थोड़ी इज्जत उछालन या दे बारे गलत गुफ्तगू करें तो उन्हें तो मैं करना प्रॉब्लम थी है। बेला मुंडा के खिलाफ वीडियो बनाए उसकी फैमिली के खिलाफ बोलता है भाई दुख होता है, ये वही लफड़ा वगैरह नहीं है कि भाई ये करना है वो करना है। स्ट्राइकी की वीडियो वगैरह आप लोग क्यों बनाते रहते हैं भाई, ये पहले आप लोग बेला मुंडा की वीडियो चेक करें। ये सिंधी कल्चर, सिंधी जो अजरक होता है ना, सिंध की पहचान होती है, उसको प्रमोट करता है। और इसकी जो डीपी वगैरह फेसबुक पे और यूट्यूब पे लगी पड़ी है, वो भी सिंधी अजरक जो उसने पहना हुआ है ना, वही है बेला मुंडा की। आप लोग खुद चेक करें, इसकी बात खुद सुने पहले। मेरा कल्चर तो मेरे को इतना ज्यादा पसंद है सिंध वालों का कि तुसा मेरे यूट्यूब दी जिहड़ी डीपी है पे, मेरे जिहड़े यूट्यूब दे उत्ते मेरी जिहड़ी पिक्चर लगी हुई है ना डीपी दे विच, उंदे च मेरे गले दे विच ना सिंधी अजरक है पई। तो तुसा उंदे तो अंदाजा ला सकदे वे कि मेरे को सिंध नाल कितना प्यार है, सिंध मेरे को कितना प्यारा लगदा है। सिंध में एक दफा आया था लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। सिंध वनू कराची वनू या कहीं ना भी प्लेस पे वनू। हाल जे तक मेरा इरादा है इंशाल्लाह सिंध। हाँ खुद बोल रहा है भाई सिंधियों से मुझे प्यार है, सिंधी की अजरक वगैरह ये प्रमोट करता रहता है। पंजाबी लड़का पंजाब में रहने वाला बेला मुंडा मोहम्मद शहजाद। आप लोग भाई इसकी वीडियो सुने, मैं आप लोगों को इसकी वीडियो सुनाता हूँ, ये क्या बोल रहा है अभी। पहले इसकी वीडियो सुने, वीडियो में देख के ना एंजॉय करे ना बल्कि मेरे को मजा आंदा है। हाँ। एक दफा ये सिंध में आया था, मेरी इससे मुलाकात नहीं हुई थी, मैं इससे रब्ता वगैरह करता रहता हूँ, चैट होती है व्हाट्सएप पे। सिंध वनू कराची वनू या कहीं ना भी प्लेस पे वनू। पहले मैंने वीडियो बनाई थी जीशान रोकड़ी की, आप लोग बोलते हैं जीशान रोकड़ी का न्यू सॉन्ग आ रहा है, अभी मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ। अभी उसने स्टेटस लगाए तो बाबा ये चेक करें, ये इसका स्टेटस है, ये जीशान रोकड़ी, ये इसका न्यू सॉन्ग शूट वाला, शूटिंग वाला। अभी मेरे पास नेटवर्क वीक है, ये चेक करें।
तो यकीन हुआ आप लोगों को, मैंने वीडियो बनाई थी जीशान रोकड़ी की, आप लोगों ने बोला यार जीशान रोकड़ी इससे कैसे बात करता है, बात करते हैं ना भाई, ये चेक करें, ये एक मिनट यार चलता क्यों नहीं, चेक करें भाई, नहीं नहीं ताहिर रोकड़ी, ताहिर जीशान रोकड़ी का ये भाई है। और ये दूसरी वीडियो मेरी अपलोड हो रही है यूट्यूब पे, नेटवर्क बहुत वीक है हमारे पास, हमारे इलाके में, हमारे गांव में, मैं पहले वहां पे खड़ा था, वहां पे बिल्कुल 3G चल रही थी, व्हाट्सएप पे स्टेटस भी शो नहीं हो रहे थे, वहां से मैं यहां तक आ चुका हूं पैदल, तो अब यहां पे स्पीड अच्छी आ रही है, लेकिन 350 के भी आ रही है पर सेकंड, 350 के भी अच्छा है नेटवर्क यहाँ पे। व्लॉग्स मुझे अपलोड करने होते हैं ना, फिर इसी सड़क पे आ जाता हूँ, यहाँ पे व्लॉग्स वगैरह अपलोड करता हूँ, अपलोड करने के बाद घर जाता हूँ, घर में नेटवर्क नहीं होता। जेज तो भाई बिल्कुल ही स्लो है हमारे इलाके में, उबाड़ों से 7 किलोमीटर दूर हमारा गाँव है, तो 7 किलोमीटर के हिसाब से भी नहीं चलती। हमारे गाँव में तकरीबन 2-2 टावर्स लगे पड़े हैं, फिर भी नेटवर्क नहीं चलता, पता नहीं वो डीजल वगैरह खा जाते हैं या नहीं चलाते। लोगों ने बेला मुंडा की वीडियो सुनी, यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी, ये बता भाई मैं, मुझे फिलहाल कंफर्म नहीं है कब आऊँगा मैं सिंध में, तो लेकिन आएगा, लेकिन लाजमी आएगा, टूर पे आ रहा है सिंध में, तो टूर पे घूमने के लिए आ रहा है सिंध में, बेसिकली तकरीबन एक दफ़ा पहले आ चुका है, बेला मुंडा ने खुद कहा है, बेला मुंडा मोहम्मद शहजाद ने खुद कहा है मैं आ रहा हूँ सिंध में आप लोगों के साथ मिलने के लिए, भाई आ रहा है, मोस्ट वेलकम। बेला मुंडा को अपना गाँव शेयर करवाएंगे और गाँव के बाद अपना शहर विजिट कराएंगे, विजिट करने के बाद भाई घोटकी पूरा दिखाएंगे, घोटकी के पेड़ बहुत फेमस हैं वो भी खिलाएंगे। व्लॉग्स बना रहा था, व्लॉग्स बनाने के चक्कर में मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। अभी भागो 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 भागो, और ये मेरी गाड़ी जा रही है, तो मुझे बाइक मिल चुकी है, बाइक्स मेरे पास वापसी आ चुकी है, अब इस पे घर लेके चलते हैं, ये अभी घर जा रहा हूँ, बाकी शाम हो चुकी है, वीडियो भी अपलोड करनी है लेकिन अपलोड नहीं हुई, कल अपलोड करेंगे, अब आज अपलोड आप लोगों के सामने नहीं हुई क्योंकि नेटवर्क का इशू आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया जेज वालों को, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, ओके बाय।